भूलकर भी लिंग किराए पर मत देना। कैसे पत्नी के नाराज होकर मायके जाने पर एक शख्स ने लिंग किराए पर लिया, कैसे अपना लिंग किराए पर देकर फंस गया एक शख्स। दोस्तों, प्राचीन काल की एक घटना आज के मॉडर्न मेडिकल और साइंटिफिक जगत के लिए भी एक बड़ी सीख दे रही है। आज मेडिकल साइंस इस मुकाम पर है कि लोग धड़ल्ले से अपना लिंग चेंज करवा रहे हैं। मॉडर्न सर्जरी का कमाल यह है कि लोग लड़का से लड़की या लड़की से लड़का बन रहे हैं। ये बदलाव केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से हो रहा है। लड़के के अंदर लड़कियों वाले हार्मोनल चेंज और बाह्य लिंग परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसे ही लड़की से लड़का होने पर हो रहा है। आज मानव शरीर में किडनी, हार्ट, लीवर, स्किन, आंख, बाल और कई दूसरे अंग ट्रांसप्लांट के साथ पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी या पुरुष लिंग प्रत्यारोपण भी हो रहा है। मेडिकल साइंस की इस प्रगति से कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह डोनेशन या मृत्यु के बाद डोनेशन के जरिए किसी शख्स की आंखें, किडनी और हार्ट दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, उसी तरह वो दिन दूर नहीं जब लिंग ट्रांसप्लांट भी होने लगेगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अपना लिंग दान कर सकेगा। यही नहीं, पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को अपना लिंग दान कर सकेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत के महाभारत काल में एक ऐसी घटना हो चुकी है जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपना लिंग दान कर दिया और किराए पर दे दिया। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो आज के वर्तमान युग के लोगों के लिए भी सीख देने वाला है। इस वीडियो में उस घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, लिंग दान करने की घटना महाभारत काल की है। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने पुत्र रूप में संतान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि द्रुपद, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री पैदा होगी, वही पुत्री फिर पुरुष बन जाएगी। द्रुपद और उनकी पत्नी ने भगवान शिव से फिर प्रार्थना की और कहा कि भगवान, हमें पुत्र ही दे दीजिए। तब शिव ने कहा कि मैंने जो कहा वही विधि का विधान है। उसके बाद द्रुपद के घर एक पुत्री पैदा हुई, लेकिन द्रुपद और उनकी पत्नी ने इस बात को छिपा लिया और राज्य भर में पुत्र होने की जानकारी दी। राजा रानी पुत्री को पुत्र के रूप में ही पालने लगे और उसका नाम शिखंडी रख दिया। शिखंडी का अर्थ होता है जिसके सिर पर मोर पंख विराजमान हो। शिखंडी ने हर वो विद्या ग्रहण की जो पुरुषों के लिए उचित होती थी। बड़े होने पर द्रुपद की रानी ने उनसे शिखंडी का किसी सुंदर कन्या से विवाह करने के लिए कहा। द्रुपद ने शिखंडी के लड़की होने की बात कही तो फिर रानी ने कहा कि आपको भगवान शिव के वचन पर पूरा विश्वास करना चाहिए। इसके बाद राजा द्रुपद तैयार हो गए और दर्शान देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री को शिखंडी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। हिरण्यवर्मा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह शिखंडी से कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही नववधू को शिखंडी के स्त्री होने का पता चल गया। भारी दुख के साथ वो वापस अपने पिता के पास चली गई। राजा हिरण्यवर्मा को जब इस धोखे का पता चला तो उन्होंने द्रुपद को सबक सिखाने के लिए उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। एक तो धोखे का आरोप और ऊपर से हिरण्यवर्मा की विशाल सेना को देखकर द्रुपद के हाथ पांव फूल गए। राजा रानी आने वाले भविष्य की सोचकर विलाप करने लगे। ऐसे में शिखंडी को बड़ा दुख हुआ और वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। जिस जंगल में वो गया उस वन की रक्षा की जिम्मेदारी एक यक्ष की थी जिसका नाम था स्थूणाकर्ण। वो काफी दयालु था। आत्महत्या से पहले शिखंडी जंगल में विलाप कर रहा था तभी वो यक्ष वहां पहुंचा। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि तुम क्यों विलाप कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। तब शिखंडी ने कहा, नहीं, आप मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते। तब यक्ष ने फिर जोर देकर शिखंडी से पूछा। तब शिखंडी ने पूरी बात उसे बता दी। इसके बाद यक्ष ने कहा कि तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है, इसे मैं पूरी तो कर दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे काफी दुख झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपना पुरुष लिंग दे दूंगा और उतने दिन के लिए तुम्हारा स्त्री लिंग ले लूंगा, मतलब उतने दिन मैं स्त्री रहूंगा और तुम पुरुष। लेकिन इसके बदले में मैं इतना चाहता हूं कि जैसे ही कुछ दिनों में तुम्हारा काम पूरा हो जाए तुम तुरंत यहां आ जाना और हम फिर लिंग की अदला बदली कर लेंगे। मेरा पारितोषिक या किराया यही है कि मैं जो भरोसा तुम पर कर रहा हूं उसे तुम अवश्य निभाना। शिखंडी ने वचन दिया कि वो काम होते ही वापस आ जाएगा।
और देखते ही देखते यक्ष स्त्री बन गया और शिखंडी पुरुष बन गया। इस लिंग परिवर्तन के बाद शिखंडी खुशी खुशी अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने पुरुष होने की पूरी बात उन्हें बताई। ये सुनकर राजा द्रुपद और रानी ने भगवान शिव का आभार जताया और युद्ध की तैयारी कर रहे राजा हिरण्यवर्मा के पास दूत भेजा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा पुत्र शिखंडी पुरुष ही है, स्त्री नहीं है, आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। दूत का संदेश मिलने पर हिरण्यवर्मा ने अपने राज्य के कुछ सुंदरियों को शिखंडी के पास भेजा और उसके पुरुषत्व की जांच करने के लिए कहा। सभी सुंदरियां शिखंडी के पुरुषत्व से संतुष्ट हो गईं। किसी को भी शिखंडी में कोई दोष नजर नहीं आया और अपने राजा के पास जाकर उन्होंने बड़े हर्ष के साथ शिखंडी के पुरुषत्व का बखान किया, जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को वापस शिखंडी के पास भेज दिया। फिर पुरुष बने शिखंडी ने अपनी पत्नी के संग रहकर संतान की भी उत्पत्ति की। उधर अपना लिंग शिखंडी को देने वाले यक्ष के साथ क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। लिंग दान करने के बाद यक्ष अपने महल में स्त्री की तरह रह रहा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके महल में यक्षों के राजा कुबेर पहुंच गए, लेकिन स्त्री बना यक्ष शर्म के मारे कुबेर का स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया। कुबेर को क्रोध आ गया। उन्होंने यक्ष के सेवकों से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तब सेवकों ने सारा राज खोल दिया, जिसके बाद कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने यक्ष को सामने बुलाकर दंड दिया कि चूंकि तुमने यक्षों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक तुम स्त्री ही रहोगे। इस दंड को सुनने के बाद यक्ष को काफी दुख हुआ, लेकिन उसने विधि का विधान मानकर इसे स्वीकार कर लिया। उधर जब शिखंडी अपने वचन के मुताबिक यक्ष का लिंग लौटाने के लिए कुछ दिन के बाद यक्ष के पास आया, तब यक्ष ने कुबेर के दंड की बात बताई और कहा कि अब जीवन भर मौज के साथ रहो। शिखंडी इसे सुनकर काफी खुश हुआ और वापस लौटकर अपने माता पिता को यह खुशखबरी दी। उसके पिता द्रुपद ने शिखंडी को गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ शस्त्र विद्या लेने के लिए भेज दिया। दोस्तों, द्रौपदी के भाई शिखंडी ने कौरवों और पांडवों के साथ ही द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म का वध तभी हो पाया जब कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को भी चढ़ा लिया, क्योंकि भीष्म ने किसी स्त्री या स्त्री से बने पुरुष या स्त्री के नाम वाले या स्त्री की वेशभूषा वाले शख्स पर वार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस वजह से शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिस लिंग प्रत्यारोपण को लेकर आज अनेक शोध हो रहे हैं, प्राचीन भारत में महाभारत काल में वो विद्या अत्यंत विकसित अवस्था में थी। शिखंडी और यक्ष इसकी मिसाल है। लेकिन साथ ही इस तरह के लिंग परिवर्तन या प्रत्यारोपण के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम हो सकते हैं, उनके प्रति भी ये प्राचीन घटना हमें सावधान करती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।